फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ अच्छा ही लिखा है हमारे तकदीर में। हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब। राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग न्यू टॉपिक लेकर के हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है कि हिंदी नेम्स ऑफ द वैक्स, अर्थात आज हम लोग वैक्स का हिंदी में मतलब जानेंगे कि जितने भी वैक्स है उसका हिंदी क्या होगा, अर्थात उस वैक्स को अगर हम हिंदी में पुकारे उसका नाम तो हम लोग क्या कहेंगे। तो पहला जो हमारा वैक्स है वो है पल्सर। तो पल्सर को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पल्सर को हम लोग हिंदी में उच्छल तारा बोलेंगे, अर्थात ये एक प्रकार का तारा होता है पल्सर, तो हम लोग इसको बोलेंगे उच्छल तारा। अगला हमारा जो वैक्स है वो है एवेंजर। एवेंजर का हिंदी क्या होगा, एवेंजर का हिंदी होता है बदला लेने वाला, बदला लेने वाला, अर्थात एवेंजर को हम लोग हिंदी में कहेंगे बदला लेने वाला। हमारा जो अगला वैक्स है वो है पैशन। तो पैशन को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, पैशन को हम लोग हिंदी में बोलेंगे जुनून, जुनून भी कह सकते हैं और उत्साह भी कह सकते हैं। पैशन का हिंदी जुनून या उत्साह होता है। अगला जो हमारा वैक्स है वो है पैशन प्रो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि जुनून, जुनून समर्थक, जुनून समर्थक या उत्साह समर्थक भी हम लोग बोलेंगे। अगला जो हमारा वैक्स है वो है अपाची। अपाची को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे दुश्मन। अपाची का हिंदी दुश्मन भी होता है, इसको हम लोग गुंडा भी कहते हैं। साथ ही साथ अमेरिका की, हमें अमेरिका की एक ये जनजाति भी है, अमेरिका की एक जनजाति, इसको भी हम लोग अपाची कहते हैं। अगला हमारा जो वैक्स है वो है बुलेट। तो बुलेट को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, तो बुलेट का हिंदी होता है गोली, अर्थात बुलेट को गोली कहेंगे। अगला हमारा जो वैक्स है वो है डिस्कवर। तो डिस्कवर को हम लोग बोलेंगे खोज करना या खोज भी कर सकते हैं। अगला जो हमारा वैक्स है वो है रॉयल। तो इसको हम लोग कहते हैं शाही, इसका हिंदी शाही होता है। अगला जो वैक्स है वो है ग्लैमर। तो ग्लैमर को हिंदी में हम लोग आकर्षक कहते हैं, आकर्षक। इसके बाद अगला जो हमारा बाइक है वो है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर को हम लोग आकर्षक, इसके बाद हम लोग जो है ग्लैमर को आकर्षक के साथ साथ ठाठ वाट भी कह सकते हैं, ठाठ वाट। इसके बाद स्प्लेंडर को हम लोग हिंदी में वैभव कहेंगे, वैभव। तो पल्सर का हिंदी नाम उच्छल तारा होता है, रेंजर का मतलब बदला लेने वाला होता है, पैशन का मतलब जुनून या उत्साह होता है, पैशन प्रो को जुनून समर्थक कहा जाता है, अपाचे को दुश्मन या गुंडा या अमेरिका की एक जनजाति कहा जाता है, बुलेट का अर्थ गोली होता है। गोली का यहाँ मतलब है कि बुलेट जो होती है बाइक वो गोली के रफ्तार से चलती है, इसीलिए इसको बुलेट कहा गया है कि जितना रफ्तार से गोली चलती है उसी रफ्तार से ये बाइक चलती है, इसीलिए इसको बुलेट अर्थात गोली कहा गया है। डिस्कवर का मतलब खोज करना होता है, रॉयल का मतलब शाही होता है, ग्लैमर का मतलब आकर्षक या ठाठ वाट होता है, और स्प्लेंडर को हम लोग हिंदी में वैभव कहते हैं। आप लोगों को इन बाइक्सों का हिंदी नाम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।